25 मिनट से ये कमेंट्री कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री को देखिए, उनके काफिले को देखिए, सिक्योरिटी के लोग को देखिए, तो वो अभी भी ओझल नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो उत्साही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बड़े बड़े लगाए हुए गाने बजाने के साथ जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये आस्था ये स्नेह प्रधानमंत्री के प्रति। और ये काफिला अभी भी आंखों से धीरे धीरे करके ओझल हो रहा है, लौराबीर से आगे बढ़ चुका है। ज्ञात जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री का काफिला कबीर चौरा हॉस्पिटल के इर्द गिर्द तक पहुंच गया है, और ऐसे में प्रधानमंत्री के सुरक्षाकर्मी और यूपी पुलिस के जो जवान हैं उनकी गाड़ियां एम्बुलेंस देख सकते हैं, और साथ ही साथ जो सुरक्षा के और इंतजाम हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे रेंग रही हैं सड़कों पर। जो लौराबीर की सड़क है, काशी की ये सड़क है, जो रोड मैप है, जो रोड मैप बनाया गया है आगे बढ़ने के लिए प्रधानमंत्री के लिए, तो वो देख सकते हैं धीरे धीरे गाड़ियां अभी भी लौराबीर चौराहे पर काफिले की पहुंच रही हैं। प्रधानमंत्री का जो रथ है वो आगे बढ़ चुका है, लेकिन ये चुनावी रथ किस रूप में होगा, 10 मार्च तक इंतजार करना होगा। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, इसलिए क्योंकि उन पर आस्था, उन पर विश्वास पार्टी भी करती है और भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले भी करते हैं, और करने की वजह से प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी इस उम्र में भी ज्यादा बढ़ जाती है। और आप देखिए, वीरेश जी लौटेंगे आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। प्राची भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। प्राची, आप कहां पर मौजूद है और क्या तस्वीरें वहां से अभी? बिल्कुल, देखिए गुंजन, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं मैदागिन पर मौजूद हूं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर जो काफिला है वो आ जाएगा। मेरे कैमरा सहयोगी कपिल आपको दिखाएंगे कि यहां पर हलचल जो है वो बढ़ चुकी है। जो पुलिस है उसने अब कमान संभाल ली है और एक घेरा बना लिया गया है। जो यहाँ पर आम लोगों की भीड़ थी, अब उन्हें इस घेरे के उस पार किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है वो मैदागिन चौराहे पर पहुँच जाएगा। यहाँ पर भी भारी मात्रा में लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उनके समर्थक पहुंचे हुए हैं, उनको चाहने वाले पहुंचे हुए हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बस एक बार वो देख लें। आप छतों का ये नज़ारा देख सकते हैं जहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि जिसको जहाँ पर जगह मिल रही है वो वहीं पर खड़ा हुआ है। और देखिए ये जो हलचल है अब और भी ज़्यादा बढ़ गई है। जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो सड़क पर है और इस घेरे को और भी ज़्यादा मजबूत किया जा रहा है, और जो आम लोगों की भीड़ है उसे हटाया जा रहा है, क्योंकि इसी मैदागिन से आगे बढ़ना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और दूसरे चौराहे की तरफ जाना है। फिलहाल वो निकल चुके हैं, लोहरीबाग से क्रॉस कर चुके हैं और अभी उन्हें कबीर चौराहा जाना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदागिन। और अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो आ जाएगा और एबीपी गंगा के कैमरे में हम दिखाएंगे प्रधानमंत्री के इस रोड शो की हर एक तस्वीर, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि छतों पर लोग अगर खड़े हैं तो खाली हाथ नहीं खड़े हैं, उनके हाथों में गुलाब हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, और वो छतों से बरसात की जाएगी। जैसा कि अब से कुछ देर पहले वीरेश बता रहे थे कि छत जो है वो ऐसी लग रही है मानो लोग वहां पर भरे हुए हैं, और जो सड़कें हैं वो ऐसी लग रही हैं मानो गुलाब की पंखुड़ियों से उन्हें ढक दिया गया हो, जो अब से कुछ देर बाद यहां पर भी नज़ारा देखने को मिलेगा। हम हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और उन तस्वीरों के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके का यहां पर माहौल है। एक भी तस्वीर आपसे छूटेगी नहीं, और भी तस्वीरें हम दिखाएंगे अपने कैमरा सहयोगी से। हम कहेंगे कि जहां तक उनके कैमरे की नज़र जा रही है वो हर एक तस्वीर हम तक पहुँचाएँ, हमारे दर्शकों तक पहुँचाएँ, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर हुजूम उमड़ा पड़ा है। देखिए खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगर बनारस का दौरा है, वो रोड शो कर रहे हैं, तो इसका संदेश पूरे पूर्वांचल में जाएगा, और इसी पूर्वांचल को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में प्रवास कर रहे हैं, यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। तस्वीरें एक एक हम आपको दिखा रहे हैं। बनारस में यूं तो 8 विधानसभा सीटें हैं और 8 विधानसभा सीटों पर 2017 में बीजेपी ने कब्जा किया था। एक बार फिर से बनारस को जीतने की लड़ाई है और बनारस के साथ साथ पूरे पूर्वांचल को जीतने की लड़ाई है। 2017 में 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस आए, उसके बाद यहाँ की जो आसपास की सीट है, आसपास के जो जिले हैं, वहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था और एक बार फिर से उसी मैजिक को दोहराने की कोशिश है। लेकिन खास बात यह है कि आप भीड़ को देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं गुंजन कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए
लोग ललायत नजर आ रहे हैं, हाथों में भगवा झंडे हैं, जय जयकार यहाँ पर लगाई जा रही है, रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति की जा रही है, जिससे बनारस को दर्शाया जाए, बताया जाए कि आखिर बनारस है क्या। एक और खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर शिव की बारात निकाली जा रही है, क्योंकि ये